हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एप्पल की खीर बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे एप्पल पुडिंग भी कहते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो इसके लिए मैंने दो एप्पल लिया है और इसे हम छील लेंगे। इसे हम अच्छे से छील लेंगे और उसके बाद छील के इसके सारे छिलके निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे। ये दोनों एप्पल हमें ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, अब देसी तरीके से एप्पल को अच्छे से ग्रेट कर लें, दोनों एप्पल ग्रेट कर लें। ये बिल्कुल आसानी से ग्रेट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है एप्पल कितनी सॉफ्ट होती है, मतलब स्पंजी और सॉफ्ट भी होती है। तो इसे आप अच्छे से ग्रेट कर लें और ग्रेट करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर में चलेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें क्या करना है कि हमें एक पैन या तवा गैस स्टोव पे चढ़ा देना है और गैस स्टोव को ऑन कर देना है इसको गर्म करने के लिए। और एक दूसरे ही गैस स्टोव पर हमें दूध को गर्म करने के लिए, मतलब इसे आधा करने के लिए चढ़ा देना है। हमें दूध को तब तक उबालना है तब तक ये आधा ना हो जाए, हमें तब तक दूध को पकाते रहना है। मैंने 500 ग्राम मिल्क लिया है, इसे हम आधा करके 250 ग्राम कर लेंगे। और अब मैंने एप्पल को तवे पर डाल दिया है एक चम्मच घी डालने के बाद, और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये पक जाएगी। आप इसे चलाते रहें और पकाते रहें, मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। और आप दूध को भी मीडियम फ्लेम पर रखें ताकि ये जल्दी से आधा हो जाए। और हमें बीच बीच में एप्पल भी चलाते रहनी है, बिल्कुल दोनों चीज़ों का हमें बराबरी से ध्यान रखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हमारे यहाँ होते हैं वो फल खाने में काफ़ी आनाकानी करते हैं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप एप्पल की खीर उन्हें बना के दें। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इसमें हमने आधा कटोरी चीनी डाली है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी गल जाएगी एप्पल के साथ और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसे हमें चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक पकाते रहना है। और ध्यान रहे कि आप इसे हमेशा चलाते रहें, इससे बहुत अच्छी स्मेल आने लगी है। अब हमें दूध को भी बीच बीच में चलाते रहना है। बीच बीच में क्या, आप, मैं तो कहती हूँ आप प्रति 30 सेकंड पे दूध को एक बार चला लें ताकि ये तली में ना लगे और अच्छे से गाढ़ी हो जाए। बिल्कुल आधा होने तक हमें दूध को पकाना है। ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप दोनों चीज़ों को चलाते रहें 15 सेकंड 30 सेकंड के अंतराल पे, कम से कम मिनिमम 15 सेकंड के अंतराल पे और मैक्सिमम 30 सेकंड के अंतराल पे आप दोनों चीज़ों को बारी बारी से चलाते रहें ताकि दोनों में से कोई भी एक चीज़ तली में ना लगे। एप्पल की खीर टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है। और जैसा कि कार्तिक का महीना आ चुका है तो लोग इस महीने में पूरे महीने भी कई लोग व्रत करते हैं और इस महीने में कई सारे व्रत भी होता है, तो आप व्रत में भी एप्पल की खीर बना के खा सकते हैं। अब एप्पल पक चुका है और मैंने दूध का जो फ्लेम है वो बिल्कुल ऑफ कर दिया है। और इसके बाद हम एप्पल जो हमने पकाया है उसे हम दूध में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने गैस का फ्लेम लो इसलिए किया है कि कई बार ऐसा होता है कि एप्पल की खीर हम गैस का फ्लेम ऑन करके डालते हैं और दूध फट जाती है। इसलिए आप हमेशा इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें कि दूध का फ्लेम ऑफ कर दें तभी आप एप्पल इसमें डालें। देखिए, हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसके लिए एक ग्लास बोल लिया है और इसमें मैं खीर निकाल रही हूँ। ये देखिए,
इसे आप घर में परिवार वालों के साथ, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चों के साथ, बच्चों की तो ये फेवरेट बन जाएगी, मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। एक बार आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। और प्लीज़ अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको चाहिए, रेसिपीज़ चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें थोड़े से आलमंड्स फ्लेक्स और कैश्यू फ्लेक्स डाल दिए हैं। ये देखिए हमारी खीर बनकर तैयार है और कितनी टेस्टी लग रही है।